जिला अस्पताल में रोगियों को दी जाने वाली दवाओं में गद्देवस से ही सामने आए बड़े घोटाले की आशंका के बीच आज रोगी कल्याण समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें सीएमएचओ पी बुनकर, जिला चिकित्सालय अधीक्षक एचबी जैन सहित समिति के विभिन्न सदस्य शामिल हुए। बैठक में कोरोना काल की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में रोगी कल्याण संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आय व्यय प्रस्ताव को भी विचार विमर्श के बाद पारित किया गया। आपको बता दें कि रोगी कल्याण समिति संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर मांग के बाद भी जानकारी नहीं देने पर चिकित्सालय अधीक्षक निशाने पर आते दिखे, जिनके खिलाफ प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भी विधिवत कलेक्टर को पत्र भी लिखकर भेजा है, साथ ही नाराजगी जताई है। इसी विषय पर कलेक्टर ने आज बैठक में अधीक्षक से पूछताछ भी की।